हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय एकेडमी चैनल। बेटा आज हम एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 5 से कंटिन्यू कर रहे हैं, तो ध्यान दें आप। एक्सरसाइज 3.1 लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1-4 कंप्लीट कर लिए थे, आज हम क्वेश्चन नंबर 5 कंटिन्यू कर रहे हैं। स्टेटमेंट है कंस्ट्रक्ट अ 3x4 मैट्रिक्स। क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट अ 3x4 मैट्रिक्स whose elements are given by क्वेश्चन है aij, फर्स्ट पार्ट aij इज इक्वल टू 1/2, मॉड के अंदर है माइनस का 3i प्लस में j। तो बेटा ध्यान दें, आपने 3x4 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, मान के चलते हैं लेट 3x4 मैट्रिक्स बी। 3x4 का मतलब क्या है, जिसके अंदर 3 रोज हो और 4 कॉलम्स हो। तो 3 रोज 4 कॉलम्स का मैट्रिक्स क्या होगा, 3 रोज बनानी है a11 a12 a13 a14, 4 कॉलम्स के साथ a21 a22 a23 a24, फिर a31 32 33 34। ध्यान दे बेटा, इसमें 3 रोज है और 4 इसके कॉलम है। आपने हर एक टर्म की वैल्यू बतानी इसके थ्रू, इस डेफिनेशन के थ्रू। a11 का मतलब है i की जगह 1 और j की जगह 1। -3+1, हमने i को 1 और j को 1 पुट किया। माइनस का 2 और माइनस 2 का मॉड होता है बेटा 2, 2 से 2 कैंसिल होके 1। सिमिलरली a12, 1/2 माइनस का 3 इंटू i की जगह 1, j की जगह 2। सॉल्व करें, -3+2 -1 होता है, -1 का मॉड आएगा 1/2। नाउ यू विल फाइंड a13, 1/2 टाइम्स -3 इंटू आई की जगह 1 और जे की जगह 3। a13 का मतलब आई की जगह 1, जे की जगह 3। -3+3 0, 0 बाय समथिंग 0। a14, आई की जगह 1 और जे की जगह 4। बेटा 4 में से 3 गया 1, 1 का मॉड 1 आएगा तो 1/2 आ गया। सिमिलरली यू विल फाइंड a21, 1/2 टाइम्स मॉड में 3 इंटू आई की जगह 2 और जे की जगह 1, आई की जगह 2, जे की जगह 1। कितना आएगा, -6+1 -5, -5 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, -6+1 -5 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 5/2। ओके, नेक्स्ट a22, 1/2 टाइम्स मॉड में आई की जगह 2 पुट करो, 3 2 6 और जे की जगह भी 2, आई की जगह 2, जे की जगह 2, -6+2 -6+2 -4, -4 का मॉड 4/2, आई गॉट 2। ओके, -4/2 यानी 2। a23, 1/2 टाइम्स मॉड में -3 इंटू आई की जगह 2 और जे की जगह आपने 3 पुट किया, आई की जगह 2 और जे की जगह 3। सॉल्व करें, माइनस का 6 प्लस में 3, -3/2 कितना आएगा, 3/2, मैग्नीट्यूड वैल्यू पॉजिटिव होती है। a24, बेटा आई की जगह 2 पुट करो, 3 2 6 और जे की जगह 4, -2/2 2 आएगा, -2/2 -2 का मैग्नीट्यूड 2 होता है, सॉल्व करके 1 आ गया। सिमिलरली यू विल फाइंड 3 1 3 2 3 3 और 3 4, और बेटा सारी वैल्यूज को इस मैट्रिक्स में पुट कर देना, यू गॉट द आंसर। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। इसी का सेकेंड पार्ट दिया हुआ है बेटा, कंस्ट्रक्ट अ 3x4 मैट्रिक्स हूज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, फिफ्थ का सेकेंड पार्ट, ए आई जे इज इक्वल टू 2i माइनस का j। अब आपने कंस्ट्रक्ट करना है 3x4 मैट्रिक्स, बिल्कुल सेम है, लाइक a इज इक्वल टू a11 a12 a13 a14 a21 a22 23 24 a31 32 33 और 34। सारे एलिमेंट्स की वैल्यू निकालनी है आपने इस डेफिनेशन के थ्रू। ij a11, a11 का मतलब है आई की जगह 1, जे की जगह 2 में से 1 गया 1। a12 की वैल्यू निकालो, आई की जगह 1, आई की जगह 1, जे की जगह 2, 2 में से 2 गया 0, हमने आई को 1 और जे को 2 पुट किया। a13 में आई की जगह 1 और जे की जगह 3, 2 -3 -1। a14, बेटा आई की जगह 1 और जे की जगह 4,
टू माइनस फोर माइनस का टू. सिमिलरली फाइंड ए टू वन. ए टू वन कैसे फाइंड आउट करोगे? आई की जगह टू, जे की जगह वन. टू टू सा फोर में से वन गया थ्री. ए टू टू, आई की जगह टू, जे की जगह टू. टू टू सा फोर, फोर में से टू गया टू. टू थ्री, आई की जगह टू है और जे की जगह थ्री. टू टू सा फोर, फोर में से थ्री गया वन. ए टू फोर, आई की जगह टू और जे की जगह फोर. फोर में से फोर गया जीरो. सिमिलरली यू विल फाइंड ए थ्री वन, थ्री टू. थ्री वन की वैल्यू निकालने, आई की जगह थ्री, जे की जगह वन. थ्री टू से सिक्स में से बन गया फाइव. ए थ्री टू, आई की जगह थ्री है और जे की जगह टू. थ्री टू से सिक्स में से टू गया फोर. ए थ्री थ्री, आई की जगह थ्री और जे की जगह थ्री. थ्री टू से सिक्स, सिक्स में से थ्री गया थ्री. और लास्ट स्टेप ए थ्री फोर, आई की जगह थ्री और जे की जगह फोर. सिक्स में से फोर गया टू. सो योर आंसर विल बी, आप कैसे लिखेंगे आंसर को? ए वन वन की वैल्यू, ए वन टू, ए वन थ्री, ए वन फोर, ए टू वन, टू टू, टू थ्री और टू फोर. सिमिलरली थ्री वन, थ्री टू, थ्री थ्री और थ्री फोर पे वैल्यू टू. ये आपका आंसर आ गया. लेट मी कंटिन्यू नेक्स्ट क्वेश्चन. यस, लेट मी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स. बेटा क्वेश्चन नंबर सिक्स की स्टेटमेंट क्या दी हुई है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस. तो क्वेश्चन नंबर सिक्स स्टार्ट कर रहे हैं हम. फर्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है? फोर थ्री एक्स फाइव इज इक्वल टू वाई जेड वन और फाइव. ओके, हमारा क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड. बेटा टू मैट्रिक्स को कंपेयर कब करते हैं? नंबर वन, उन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए. कोई भी दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे? नंबर वन, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए. इसका ऑर्डर क्या है? ये टू बाई टू का मैट्रिक्स है, टू रोज टू कॉलम. सिमिलरली ये भी टू रोज टू कॉलम. सेकेंडली इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए. मतलब फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट के इक्वल करेंगे तो वाई कितना आया? फोर. सेकेंड वैल्यू जेड की किसके इक्वल होगी? थ्री के. और इधर से एक्स किसके इक्वल होगा? वन के. तो दिस इज द आंसर. सेकेंड पार्ट करते हैं, उससे ज़्यादा क्लैरिटी होगी आपकी. जैसे कि क्वेश्चन है एक्स प्लस वाई टू फाइव प्लस जेड और एक्स वाई किसके इक्वल गिवन है? सिक्स टू फाइव एट. हम एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है तो आप लिखना ऑन कंपेयरिंग वी गेट फर्स्ट इक्वेशन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सिक्स. सेकेंड इक्वेशन फाइव प्लस जेड किसके इक्वल आएगा? फाइव के. जेड क्या आएगा? फाइव माइनस फाइव विच इज इक्वल टू जीरो. बेटा उसके अलावा एक्स वाई किसके इक्वल गिवन है हमें? एट के. अब यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो, क्या आएगी? सिक्स माइनस एक्स. इस y की वैल्यू को यहाँ सब्सिट्यूट कर दो. y की जो वैल्यू सिक्स माइनस एक्स है वो हमने यहाँ पुट कर दी. सॉल्व करें, सिक्स एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एट. इसको सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस एट इज इक्वल टू जीरो. क्या किया? दोनों टर्म्स को उधर शिफ्ट कर दिया. नेगेटिव टर्म उधर जाके पॉजिटिव, सिक्स एक्स नेगेटिव और प्लस एट जीरो. फैक्टर्स बनाओ, फोर टू ज़ा एट, फोर और टू सिक्स. रूल था बेटा शुरू में माइनस हो, दोनों टर्म्स माइनस की आती हैं. दोनों में से एक्स कॉमन लिया, इन दोनों में से माइनस का टू कॉमन लिया. ये ऑलरेडी आपको नाइन्थ क्लास में फैक्टराइजेशन क्लियर थी. एक्स माइनस फोर, एक्स माइनस टू इक्वल्स टू जीरो. अलग अलग जीरो करेंगे तो एक वैल्यू फोर और एक वैल्यू टू आएगी. आप मेंशन करना व्हेन एक्स इज फोर. जब एक्स को फोर लेंगे तो वाई कितना आ जाएगा? टू. और बेटा जब एक्स को आप टू पुट करेंगे तो वाई कितना आ जाएगा? फोर. इसी के साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स कंप्लीट होता है. एक और पार्ट दिया हुआ है, थर्ड पार्ट. लेट मी कंटिन्यू नेक्स्ट. सिक्स का थर्ड बेटा, सिक्स क्वेश्चन के थर्ड पार्ट की स्टेटमेंट क्या गिवन है हमें? देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है. एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड, वाई प्लस जेड किसके इक्वल दिया हुआ? नाइन फाइव सेवन. तो सॉल्व करें तो ऑन कंपेयरिंग वी गेट एक्स प्लस वाई प्लस जेड किसके इक्वल आ गया? नाइन के. अगली इक्वेशन एक्स प्लस जेड किसके इक्वल है? फाइव के. और वाई प्लस जेड किसके इक्वल है? सेवन के. हम एक काम करते हैं बेटा, ये वाई प्लस जेड की जो वैल्यू है ना सेवन, यहाँ वाई प्लस जेड की जगह पुट कर दो. अगर हम वाई प्लस जेड को सेवन पुट करेंगे तो एक्स कितना आएगा? नाइन माइनस सेवन टू. एक्स की वैल्यू टू आ गई. फ्रॉम दिस इक्वेशन वी आर गिवन एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू फाइव. अगर एक्स की जगह टू पुट करेंगे तो z कितना आएगा? 5 माइनस टू विच इज इक्वल टू थ्री. जेड की वैल्यू 3 यहाँ पुट कर दो. अगर z को 3 पुट करेंगे तो
तो वाई कितना आएगा, 7 - 3 = 4, ये आपका आंसर आ गया, जिसमें हमने एक्स वाई और जेड की वैल्यूज को फाइंड आउट किया है। बेटा फिर भी आपकी कोई भी क्वेरीज, कोई भी डाउट्स आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।